साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। साथियों, मधुमक्खियों से हमें शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद भी मिलते हैं, जिनके इस्तेमाल से हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ लाइफ भी बढ़ती है। मधुमक्खियों से हमें शहद, पोलन, प्रोपोलिस, बी वेनम, वैक्स और रॉयल जेली भी मिलते हैं। रॉयल जेली के खाने से हमारी उम्र बढ़ती है। मधुमक्खी शहद के अंदर पराग कण, जिसे हम पोलन कहते हैं, वो भी मिलाती है, जिनकी संख्या लगभग 100 ग्राम शहद में 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास होती है। मधुमक्खी शहद में कुछ मात्रा में रॉयल जेली भी मिलाती है, जिससे शहद की गुणवत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। बाजार में मिलने वाला शहद मिलावटी है, नकली है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि शुद्ध शहद हर हाल में जमेगा, जबकि बाजार वाला शहद लिक्विड अवस्था में ही रहता है। इसलिए मेरा आप सभी से यही सुझाव है कि शहद हमेशा मधुमक्खी पालक से ही खरीदें। शहद को पूरा साल खाया जा सकता है। शहद को गर्मियों में खाली पेट ठंडे पानी में लेना चाहिए और सर्दियों में गुनगुने पानी या गुनगुने दूध में लेना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50 ग्राम शहद करीब 3 लीटर दूध के बराबर पोषक तत्व देता है, या फिर आप कह सकते हैं 50 ग्राम शहद 2.5 किलो सेब के बराबर ऊर्जा देता है। साथियों, शहद का जमना उसका स्वाभाविक गुण है। जमे हुए शहद में मिलावट की गुंजाइश ना के बराबर होती है। अगर शहद में मिलावट है तो वो कभी नहीं जमेगा। इसलिए हमारे देश से सारा शहद जो जमा हुआ है वो एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि बाहरी जो कंट्रीज हैं उन सभी में जो है बहुत ज़्यादा जागरूकता है, उनको पता है कि शहद जमता है। जिन देशों में प्रति व्यक्ति शहद की खपत ज़्यादा है, उन्हीं देशों के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आते हैं और शहद को औषधि न मानकर इसको खाने की तरह कहना चाहिए। पौष्टिक भोजन जो होता है उसका जरूरी हिस्सा मानकर खाना चाहिए, क्योंकि शहद के अंदर वो सभी पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। अंत में मेरा आप सभी से यही सुझाव है कि आप अपने दैनिक जीवन में शहद का सेवन अवश्य करें। इसको खाने से आपको जो है ऊर्जा मिलेगी व आप स्वस्थ भी बने रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। शहद को नवजात शिशु या बूढ़े आदमी भी खा सकते हैं, क्योंकि यह पचा पचाया होता है। अतः लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।